दिल्ली में केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के आमने सामने होने की खबरें तो कई थीं, लेकिन अब पंजाब की आप सरकार और केंद्र सरकार भी आमने सामने होने वाले हैं। कुछ ऐसा ही पंजाब की सियासत में होने वाला है। पंजाब सरकार चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव लाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए जाने पर प्रस्ताव पेश किया। भगवंत मान ने केंद्र पर केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से यह कदम केंद्र और पंजाब के बीच केंद्र शासित प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए चल रहे संघर्ष के बीच लिया गया है। पंजाब सीएम मान ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब राज्य को हरियाणा राज्य में पुनर्गठित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को दिया गया था। तब से पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य के नामांकित व्यक्तियों को कुछ अनुपात में प्रबंधन पदों को देकर भागड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जैसी सामान्य संपत्ति के प्रशासन में एक संतुलन का उल्लेख किया गया था, लेकिन अपनी कई हालिया कार्रवाइयों के माध्यम से केंद्र सरकार इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र जानबूझकर पंजाब के हकों को कम कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के हक के लिए लड़ती रहेगी। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ का दौरा किया था। इस बीच एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ऐलान किया था कि मैं चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। आज से चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केंद्रीय सिविल सेवा के समान होंगी। कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सर्विस नियम लागू करने के ऐलान के बाद से सियासत गरमाई हुई है। इस बीच भगवंत मान ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव लाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हासिल है। चंडीगढ़ पहले सिर्फ पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1966 में जब हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया तो चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। अमित शाह के इस फैसले का दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस भी विरोध जता चुकी है। इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।